गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम लोग ग्राम पंचायतों के बारे में बात कर रहे थे और ग्राम पंचायतों के क्रम में हमने लगभग सारी पंचायतों के बारे में अध्ययन कर लिया, जैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, ठीक है, नगर पालिका, नगर निगम। लेकिन उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसी क्रम में मैं कुछ फैक्ट आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग इसे भी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन फैक्ट में सबसे पहला फैक्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 में पहली बार लागू हुआ था। ठीक है, भले इसको संवैधानिक दर्जा बाद में मिला 1992-93 में, लेकिन जो यूपी पंचायत राज अधिनियम था ये 1947 में लागू कर दिया गया था। ठीक, इसके बाद दूसरी बात है, यूपी क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में पारित कर दिया गया था। ठीक है, भले ये भी बाद में संवैधानिक दर्जा इसको 1992-93-74 में संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। इसके अलावा विकेंद्रीकृत शासन, विकेंद्रीकृत एवं प्रशासनिक आयोग का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, 1995 में किया गया था। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि जो पंचायतें हैं, ये ग्राम पंचायत या जिला पंचायत है, इनके बारे में बहुत सारी बातें आप लोग पहले से जानते हैं और ऋग्वेद या पुरातन समय से ही प्रजातंत्र का कुछ साक्ष्य हमें पुराणों में मिलते हैं, ऋग्वेद में मिलते हैं, जैसे सभा और समिति। उस समय राजा जो हुआ करता था वो सभा और समिति जो होती थी यही राजा का निर्माण करती थी और इन्हीं के सपोर्ट से राजा चलता था। धीरे धीरे करके वो अनुवांशिक हो गया, लेकिन पहले ये लोकतंत्र का ही रूप हुआ करता था और छोटे छोटे गांव मिला करके कई सारे प्रकार के गठन किए गए समितियों का, जिससे आगे चल करके एक विस्तृत राज का विस्तार हुआ। और इसके अलावा यूपी पंचायतों के विकास के कुछ चरण हैं। यूपी पंचायतों के विकास के क्या हैं, कुछ चरण हैं। अगर उन चरणों की बात की जाए तो उनमें पहले चरण में अगर हम बात करते हैं तो पहला चरण हमारा कब से कब तक है, पहला चरण 1947 से 1952 तक है। ठीक है, और पहले चरण में क्या हुआ था, ग्राम पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण की बात की गई थी, महिलाओं को क्या आरक्षण की बात की गई थी। इसके अलावा तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है, एक क्वेश्चन इस तरह का आता है, और उन्हें क्या कहा जाता है, पंचायत समिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचायत समिति कहा जाता है। और एक ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या कितनी होती है, 5 से 15 या कहीं कहीं पे 7 से 17 भी देखने को मिलती है। और सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, कितने वर्ष होती है, 21 वर्ष होती है। ठीक है, अब इसमें कुछ थ्योरी मैं नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आपको कुछ फैक्ट जो छूट गए थे लेक्चर के समय वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए सिर्फ आप फैक्ट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है, भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है, इतनी देखिए 2,55,357। कितनी है, 2,55,357। ठीक, तो ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, 2,55,357। इसके अलावा जिला नियोजन समिति एक होती है, एक क्या होती है, जिला नियोजन समिति। जिला नियोजन समिति में प्रत्येक तहसील से एक प्रधान को मनोनीत किया जाता है, किसमें, जिला नियोजन समिति में मनोनीत किया जाता है। और एक और फैक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जमींदारी का अंत कब हुआ था, 1952-53 में हुआ था। कब हुआ था, 1952-53 में हुआ था। जैसे जानते हैं कि अंग्रेजों के जमाने से अंग्रेजों ने यहाँ की भूमि को जमींदारों को दे दिया था और उनसे कहा था इतने % कर वसूल कर हमें दीजिए, और उसमें से कुछ हिस्सा जमींदारों को दिया जाता था। लेकिन जब अंग्रेज चले गए तो सारी जमीन जमींदारों के पास चली गई, तो इसके लिए शासन ने क्या किया था, संविधान संशोधन किया था और क्या किया था, 9वीं अनुसूची बनाई थी, उसमें कुछ अधिनियम बना करके डाले गए। इस तरह से क्या किया गया, जो हमारे यहाँ जमींदारी प्रथा थी उसका अंत हो गया और लिमिट एक फिक्स कर दी गई कि कितनी जमीन किसी व्यक्ति के पास होनी चाहिए। और दूसरा चरण पंचायती के विकास का कब था,
तिरपन से लेके 60 तक, तिरपन से लेके 60 तक बहुत सारे कार्य हुए, समितियों का गठन हुआ, लेकिन कुछ उल्लेखनीय योगदान देखने को नहीं मिलता। बस एक बीएल मेहता समिति जो 1956 में गठित हुई थी, उसने अपनी एक क्या कहते हैं रिपोर्ट दी थी कि किस प्रकार से यहाँ पंचायती राज व्यवस्था का जो क्रम है या डिस्ट्रीब्यूशन है किया जाए और लागू किया जाए। तीसरा जो चरण है आपका 60 से 72 देखने को मिलता है, इसमें क्या है ग्राम सभा न्याय पंचायत के चुनाव की जो पद्धति थी, जो पहले तरीका था, वो क्या होता था, लोगों को इकट्ठा करके बता दिया जाता था, फले व्यक्ति को गांव का मुखिया या प्रधान बना दिया गया। लेकिन इस पद्धति में क्या कर दिया गया, सुधार कर दिया गया। अब क्या होने लगा, गुप्त मतदान पद्धति से क्या होने लगा, चुनाव होने लगा। कैसे होने लगा चुनाव, गुप्त मतदान प्रणाली की शुरुआत हो गई। और इस तरह से अब लोग किसी को भी चुनने के लिए, जिसको ग्राम प्रधान बनाना है, पहले मतदान करेंगे, जितने लोग उसमें उम्मीदवार होंगे उनमें से जो जीतेगा वही प्रधान बनेगा। चौथा चरण क्या है, चौथा चरण 72 से 82 तक है। चौथे चरण में जो हमने संविधान संशोधन करके किसकी उम्र, मतदाताओं की उम्र 21 से 18 घटा दी थी, उसको कब लागू किया गया, इसे चौथे चरण में यहाँ पे लागू किया गया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे। और पांचवें चरण की बात हम कर रहे हैं, पांचवा चरण हमारा 84 से लेके कब तक 93 तक चलता है। और इस चरण में 30% महिलाओं के रिजर्वेशन की बात करते हैं और प्लस उसी में SC ST की भी महिलाओं की बात करते हैं और SC ST के सीटों के रिजर्वेशन की भी बात करते हैं। और इसी समय जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई। जवाहर रोजगार योजना के तहत जो गाँव में लोग थे उनको इससे जोड़ा गया। और इसकी शुरुआत कब हुई, 1989 में हुई। तो जवाहर रोजगार योजना के सीधे क्वेश्चन आता है कि शुरुआत कब हुई, 1989 में हुई। और इस योजना के तहत गांव के लोगों को काम देने के लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। इसके आगे छठवां चरण आता है। छठवां चरण हमारा 1993-94 के आसपास शुरू होता है। और इस चरण में क्या होता है आप जानते ही हैं कि जो पंचायतें थी, उसमें बीएल मेहता की समिति के सुझाव के आधार पर क्या कर दिया गया, इनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। किसमें, अनुच्छेद 40 में। और पंचायतों को क्या मिल गया, संवैधानिक दर्जा मिल गया। और इनके जो विषय थे उनको कहाँ जोड़ दिया गया, 243 में जोड़ दिया गया। जो 243 में जोड़ दिया गया, जहाँ से जहाँ पे सारे विषय रखे हुए हैं, कौन सा काम कैसे किया जाएगा। और ये किस आधार पे किया गया, 73वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था उसी के आधार पे 93 में इसको लागू किया गया था। और इसके जैसे ही संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया पंचायतों को, वैसे ही उत्तर प्रदेश में एक राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई वो एक अधिसूचना जारी करके दी हुई। जो अधिसूचना राज्यपाल जारी करता है उसी अधिसूचना के थ्रू इसके क्या हुआ, इसकी स्थापना की गई। धीरे धीरे करके ये एक संवैधानिक निकाय बन गया। आज जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत या नगर निगम, नगर पालिका, इन सभी के चुनाव के को कौन आयोजित करता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, पंचायतों का चुनाव कौन कराया, बताया कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पहली बार 1995 में शुरू किया। कब शुरू किया, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 1995 में शुरू किया। स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ था, 23 अप्रैल 1994 को। इसने पहली बार इलेक्शन कब कराया, 1995 में। और कुछ और जानकारियां, जैसे आप जानते हैं सभासद तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन सभासद के प्रकार कितने होते हैं। एक सभासद वो होते हैं जो निर्वाचित होते हैं, दूसरे सभासद वो होते हैं जो मनोनीत होते हैं, और तीसरे सभासद वो होते हैं जो पदेन होते हैं उस क्षेत्र के, क्या होते हैं कि या तो अधिकारी होते हैं या तो कुछ चुने हुए मेंबर होते हैं जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ फैक्ट हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। और इसके अलावा आप देखते हैं कि नगरीय स्वायत्त शासन की शुरुआत सबसे पहले कब हुई, 1916 से हुई। 1916 से पहले नगरीय शासन व्यवस्था को स्वायत्त नहीं रखा जाता था, वो गवर्नर जनरल के अधीन हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद इसे स्वायत्त कर दिया गया और यह स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था का एक भाग है। ठीक है, और उसमें नगर पालिका क्षेत्र का जो
घोषित किया जाता है वो किसके द्वारा घोषित किया जाता है? राज्यपाल की अधिसूचना के द्वारा घोषित किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति द्वारा एससी एसटी क्षेत्र को घोषित किया जाता है, वैसे नगर पालिका क्षेत्र को किसके द्वारा घोषित किया जाता है? राज्यपाल की अधिसूचना के द्वारा घोषित किया जाता है। यूपी में पंचायतों की प्रथम स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1949 को हुई थी। इसके बाद में बता ही दिया था कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के बाद 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, इसीलिए उस दिन क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और पंचायती राज अधिनियम पर पहली बार हस्ताक्षर कब हुए? 7 दिसंबर 1947 को। कब हुए? 7 दिसंबर 1947 को पंचायती राज व्यवस्था पे हस्ताक्षर हुए, ठीक है। और त्रिस्तरीय प्रणाली कब से लागू हुई? त्रिस्तरीय प्रणाली हमारी लागू हुई 1961-62 से। किसकी सिफारिश पे लागू हुई? बीएल मेहता की सिफारिश के अनुसार 1961-62 से त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई। लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी जनसंघ की सरकार आई थी तो उन्होंने दो स्तरीय व्यवस्था लागू करने की कोशिश की, और किसकी सिफारिश से? अशोक मेहता की समिति की सिफारिश पे। लेकिन वो आगे चल करके चली नहीं, अंततः आज भी बीएल मेहता की सिफारिशें लागू हैं। गणपूर्ति, कोई भी बैठक होती है ग्राम पंचायतों की या स्थानीय स्वशासन की, तो उसमें 1/5 के बराबर सदस्यों का उपस्थित होना कंपलसरी होता है, और बैठक को 30 दिन के अंदर आयोजित करना भी कंपलसरी होता है, ठीक है। इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो क्लास के समय पे छूट गए थे और ये पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनको विशेष रूप से नोट्स बना लीजिए और इनको रट डालिए, क्योंकि इसमें सन है कुछ और फैक्ट है जो उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्या बताएंगे? अब हमारा पंचायती राज व्यवस्था खत्म हो गया, आगे हम ग्रामीण विकास के क्रम में भूमि विकास की योजनाएं, ठीक है, अन्य ग्रामीण योजनाएं, यूपी में भूमि मापन की विधियां और जोत के प्रकार, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, लेखपाल के एग्जाम के लिए, वीडियो के एग्जाम के लिए या अन्य यूपीपीएससी के एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अतः इन पे ध्यान देते रहिए, इनके फैक्ट को नोट करते रहिए, चाहे एक आप कॉपी बना लीजिए उसमें नोट करते रहिए, वैसे चाहे वीडियो को बार बार आप रिवाइज करके देखते रहिए। और इसी क्रम में अगले क्रम में हम आपको क्या बताएंगे? भूमि विकास की योजनाएं, अन्य ग्रामीण योजनाएं, यूपी में भूमि विकास की विधियां और जोत के प्रकार। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर या आज के फैक्ट आपको पसंद आए होंगे, और आगे दोस्तों जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे मनोबल को बढ़ाइए, और आपके लिए हम ग्रामीण विकास के अच्छे अच्छे मुद्दे लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।